मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखिए जी, ये बेसिकली एक प्रोपेगंडा है इंडिया का और आरएसएस का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अगर आप अब्दुल कलाम आजाद को जानते होंगे, जो कि पाकिस्तान के पहले, सॉरी इंडिया के पहले तालीम के मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के दो दफा सदर भी रहे हैं, अगर आप उनकी बुक्स वगैरह का मुताला करें वो, तो आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बागी हो जाएंगे। हालांकि वो भी कोई ऐसे कोई एक नाअहल या कोई अहमक हुक्मरान नहीं थे, सही लीडर नहीं थे, वो बड़े समझदार थे और दूरंदेश थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सब सच है कि जनाब ये जितने भी सरमायादार होंगे उनके लिए जन्नत होगा, सही है, यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। बहुत बड़ी, हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। सो गाइस, जहाँ पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ इंडिया के पास तो भगवान की कृपा से सब कुछ है। और वहीं इंडिया एक हेल्पिंग हैंड की तरह पाकिस्तान का मदद भी करना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि भाई ईगो में लेकर बैठा हुआ है। अब ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आया हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि आरएसएस की तरफ से हमारे यहाँ के जो आरएसएस के जनरल चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने ऑफर तक किया है कि भाई हमारे पास बहुत सारा वीट है इन स्टॉक एंड हम लोग टन्स ऑफ वीट हम लोग दे सकते हैं आपकी कंट्री को, लेकिन वही है कि आपकी तरफ से कोई भी ऐसा हमारे पास हेल्प नहीं आया है कि हम प्रोवाइड करें। अब इस चीज के ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है वो तो आज की वीडियो में ही देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि खबर ये है कि इंडिया के आरएसएस के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में, जब फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे से बात नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि 60-70-75 साल पहले इंडिया पाकिस्तान हम लोग इकट्ठे ही थे, तो आज भी हम आगे मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट हमारे दरमियान जंगे हुई हैं, लेकिन इन चीज़ों को भूलकर हम इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि ऐसी जमात जिसके बारे में पाकिस्तान में ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, उस जमात के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। क्या पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प के लिए बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर हम रशिया जा सकते हैं, अगर हम फ्रांस जा सकते हैं, अगर हम दुनिया के दूसरे ममालिक में जा सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं हम बात कर सकते? पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। एक प्रोपेगंडा है इंडिया का और आरएसएस का। पाकिस्तान में वीट की कमी बिल्कुल नहीं है, आगे वीट क्रॉप का सीजन आ गया है और उसके अभी भी हमारे जो है गोदाम वहाँ पे 2 साल की गंदम एक्स्ट्रा मौजूद है। ये जो बेसिकली जो इश्यूज बनाते हैं, ये जो प्रॉब्लम बनाते हैं ना, हमारे जो स्टॉकी हैं यहाँ पे, जो स्टॉक करने वाले हैं, ये सारे इश्यूज उनके खुद साख्ता क्रिएट किए हुए हैं। और अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनके ऊपर सख्ती करे तो ये सारा शुगर जो है, फ्लोर मिल माफिया, ये स्ट्राइक पे आ जाता है, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से ये अपनी जो इलीगल जो मनी है उसको इन्हांस कर रहे हैं। तो मैं यही जवाब दूंगा इंडिया, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिल्कुल वीट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और ना हमें चाहिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वीट इन एक्सेस फार्म में मौजूद है। ये बेसिकली उनका प्रोपेगंडा है। जी देखें, सबसे पहली बात तो कि ना, नेबर के सारे रिलेशन बेहतर करने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हमें जितनी भी एड आ रही है ना, अगर हम जो हमें आईएमएफ से पैसा मिल रहा है एड के थ्रू, ठीक है, तो अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करें, ग्रोथ के लिए यूज़ करें, लाइक हमें जो भी एड आ रही है ना, हम उसको पॉजिटिव वे में, हाँ, ग्रोथ पे नहीं लगा रहे। ठीक है, फिर किधर लगा रहे हैं? हम माय जॉन सीएन स्पेशली मम्मी, मैं आप में का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा, अगर आप इस क्लिप को काटे ना तो, ठीक है, मैं हमारी और जो जितने भी अदारे हैं ना, वो इसके करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो ग्रोथ पे नहीं लगा रहे पैसा। उन्हें चाहिए हमारी को जहर दे दें जी, गरीब आदमी मर रहा है और कुछ रिलीफ मिले आवाम को भी, को अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे, और ताकि ये आवाम
वो तो आपका ओपिनियन हो गया ना कि आप क्या अंदर का गुस्सा था वो आपने निकाल दिया, लेकिन सवाल मेन ये है क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना जाति दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से बड़े हो। हमारे हुक्मरान और जो ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी भाई, हमें इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत मेन और मेजर सवाल आपके बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जो सुन रहे होंगे और वो भी ये सवाल कंडक्ट करेंगे, भाई पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया के अंदर बहुत तशद्दुद है, पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर के अंदर तशद्दुद है, पाकिस्तानी कहते हैं इंडियन मुस्लिम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हाल में रह रहे हैं। सर अगर हम देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ अच्छी है, हमसे बेहतर है, सर वो कैसे और क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आज भी होता होगा? नो डाउट जुल्म ज़्यादती हर जगह पर होती है, लेकिन आज भी वही सब कुछ है जो पिछले 20 साल पहले था। एक जगह पर 35 रुपये किलो आटा, एक जगह पर 200 रुपये किलो आटा है, कौन सा लेना पसंद करें? डेफिनेटली 35 रुपए। वो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? हम तो कश्मीर चाहते हैं ना, तो वो कश्मीरी यहाँ पर क्यों आएंगे गुर्बत में रहने? अगर हमें देना चाहिए, चाहते हैं तो हमें जरूर लेना चाहिए, अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए इंडिया से हेल्प मिले हमें ले लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। हमें पाकिस्तान इस वक्त इस शॉर्टेज में है, तो मेरी ये राय है कि इस मामलात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने नेबर कंट्रीज से ले ले, क्योंकि देखें ना मफादात की गेम है, जो जितने भी हमारी जंगें हुई, जितने भी मामलात हुए, ठीक है, वो हमारे सियासी लीडर के जो आपस के मामलात थे, लाइक मैं जो हालात हुए हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को या जिसकी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको आप टाइम दें, वो पॉलिसीज बनाएं, उन पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। दो जो लॉन्ग रन पॉलिसीज है वो हमारे मुल्क में नहीं बनती, लॉन्ग रन पॉलिसीज है डैम बनाते हैं। इंडिया में देखे वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई है वो कम से कम 10 साल चली है, उन्होंने उसी लिहाज से पॉलिसीज बनाई हैं। तो मैं अर्ज करूंगा ना तो हमारे पास पोटेंशियल की कमी है ना रिसोर्सेज की कमी है। सवाल मेरा ये है कि हमारे आस पड़ोस जितने मुल्क हैं उनमें से खासा दुश्मन कौन है? खासा दुश्मन कौन है हमारे? मेरा ख्याल है कि अगर तो आप मेरी राय पूछेंगी तो फिर आपको माननी पड़ेगी कि हम खुद ही हैं और तो कोई भी नहीं है। इंडिया तो ऐसे ही फजूल में हमने अपना दुश्मन बनाया है कि ये मुल्क के जो पॉलिसीज मेकर हैं वो उनके ही किया दरा जो है ना आम आवाम को इसका फेस करना पड़ रहा है। सो गाइस गजब गजब बातें बोलते हैं भाई ये पाकिस्तानी लोग, मतलब क्या ही बोलना है। किसी का कहना है कि भाई उनके पास बहुत सारा स्टॉक में रखा हुआ है वीट, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वो लोग बैठ के ऐसे ही खा सकते हैं और अभी तो सीजन ही है उन लोगों का। मतलब हद है यार, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पे अगर स्टॉक रखा हुआ है? ऑब्वियसली बात है वहां की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट निकाले फिर उस चीज को बाहर निकाले, आवाम को दे, आवाम के पास क्यों नहीं मिल रहा है? इतना महंगा क्यों बिक रहा है भाई वीट वहां पे? अगर वहां पे इतना ही अवेलेबल है मतलब वीट, तो भगवान ही जाने ये भाई साहब कौन थे भाई, मतलब सच में इनको तो अकेले ऐसे पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए कि जाओ भाई रहो। और वैसे एक जनाब ने तो वाह वाह क्या बात कही है, मतलब हमें तो भाई इंडिया के साथ शामिल हो जाना चाहिए। आहा सही है, मतलब उनका इच्छा बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब मन बहुत अच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने बहुत पॉजिटिवली उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो इंडिया के साथ शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि इंडिया के हालात बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से तो लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं इनफैक्ट। और इसी वजह से उस भाई साहब ने वैसा बोला एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो कितनी अच्छी बातें वो उन्होंने कही है, उन कितने प्यार से कहा है, ये नहीं कि भाई कितनी मुश्किल हो रही है भाई, आई एम फीलिंग लाइक कोई फांसी पे चढ़ा दिया है तो मजबूरी में हम इंडिया चल जाएंगे, वो वाला चीज नहीं था उनके, मतलब दिल से वो चीज बात निकली जो कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा था एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज। सो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरटेनिंग लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जितनी हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और क्या कमेंट करना ना भूले। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।